हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी बैटल का ईयर क्या है, या ये पूछा जा सकता है कौन सी बैटल किस किस के बीच में लड़ी गई, या तो ये पूछा जाता है किस बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, या तो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है किस बैटल में कौन विनर था। तो इस जैसे क्वेश्चन जो है आज हम यहाँ पर करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वन लाइनर पॉइंट ही जो है वो डिस्कस करेंगे, कोई डिटेल में जो है वो पढ़ने वाले नहीं है इस टॉपिक को। बिल्कुल जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो हमने वार पढ़नी है वो मैसूर से रिलेटेड वार है। तो ये एंग्लो मैसूर जो वार है, एंग्लो मैसूर वार, ये चार वार हमने पढ़नी है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एंग्लो मैसूर वार है ये सीरीज ऑफ वार है। जैसे कि हमने देख लिया ये चार वार है, चार लड़ाइयां हैं। अब ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी और मैसूर किंगडम के बीच में लड़ी गई थी। अब मैसूर किंगडम, इसमें हमारे पास निजाम अब हैदराबाद थे, हैदर अली थे, मराठा अंपायर थे, इनके बीच में जो है वो लड़ी गई थी। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई थी वो किस वार में हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना होगा 1799 में जो वार हुई थी तो इसमें जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। फिर एंग्लो मैसूर वार जो है वो लास्ट में जो है वो खत्म हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं पहली, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है वो कब हुई थी। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है बेसिकली जो है 1767 से 69 के बीच में रही थी। तो ये ईयर जो है वो आप लिख लेना 1769 से लेकर 69 से लेकर ये यहाँ पर जो है वो 67 से लेकर जो होगा वो 69 तक ईयर होगा। किस किस के बीच में जो है वो लड़ी गई थी, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो बीच में लड़ी गई थी। और इनके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ द मद्रास। आपको पूछा जाएगा ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है कब साइन की गई थी। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन की गई थी, वो की गई थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद में साइन की गई थी। सेकेंड वार हम देखेंगे, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो है वो कब लड़ी गई, सबसे पहले ईयर याद रखेंगे 1780 से लेकर 1784 से लेकर 1784 के बीच में लड़ी गई सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई, मैसूर किंगडम और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन की गई थी, लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो ट्रीटी थी वो कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर जो है वो साइन की गई थी। और फिर हम बात करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है 1790 से लेकर 1792 तक जो है ये चली। कब तक चली, 1719 से लेकर और जो है 1792 तक चली। तो आपको याद रखना है एक बात, इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान जो थे द रूलर ऑफ द मैसूर एंड एन अलाई ऑफ फ्रांस इनवेडेड द नियर बाई स्टेट ऑफ द त्रावणकोर इन 1789। तो इसमें जो था टीपू सुल्तान के साथ जो फ्रांस वाले थे वो इनके अलाई बन गए थे, इनके साथी बने थे और इन्होंने जो है वो त्रावणकोर की सिटी 1789 में जो है वो उस पर जो है वो उसे इनवेड कर लिया था, ठीक है, जो पहले के जो ब्रिटिश अलाई थे। अब यहाँ पर भी याद रखना होगा ये भी जो है वो मैसूर किंगडम के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो लड़ी गई। और इसके बाद जो है वो थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो ट्रीटी की गई साइन वो कौन सी ट्रीटी थी, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ द सेरिंगापट्टनम। तो याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद ट्रीटी ऑफ द मद्रास साइन की गई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर साइन की गई और थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ द सेरिंगापट्टनम जो है वो साइन की गई थी। तो इतना जो है वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बारे में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है 1798 से लेकर 99 तक जो है वो चली और 99 में जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में जो है वो डेथ होती है किसकी, टीपू सुल्तान की जो वो डेथ हो जाती है। एंड इट रिजल्ट इन द फर्दर रिडक्शन इन द मैसूरियन टेरिटरी। तो यहीं से जो है मैसूर की जो किंगडम थी उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैसूर और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में ही लड़ी गई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, और जिस वार में जो है टीपू सुल्तान की डेथ होती है। तो
तो एज अ रिजल्ट ब्रिटिश सब्जुगेटेड मैसूर, तो जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है ब्रिटिश सब्जुगेट मैसूर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो मराठा वार के बारे में। तो एंग्लो मराठा वार जो थे यहाँ पर जो है तीन वार जो है लड़ी गई। एंग्लो मराठा वार में तीन वार हमने पढ़नी है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो जो है मराठा वार। और ये मराठा वार जो है वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो लड़ी गई। किसके लिए जो है वो ट्रीड जो है टेरिटरी के लिए लड़ी गई, इस किसके बीच में मराठा एम्पायर, तभी इसका नाम पड़ा मराठा वार, मराठा एम्पायर और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो लड़ी गई। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा होम एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन साथ में मिलेंगी जब आप बेल आइकन को साथ में प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अब आपको क्या पूछा जा सकता है इसमें कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है कब लड़ी गई, तो याद रखेंगे 1775 से लेकर 1782 के बीच में लड़ी गई। ठीक है, कब लड़ी गई, 1775 से लेकर 1782 1782 तक जो है ये लड़ी गई। किस किस के बीच में लड़ी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई और मराठा अंपायर के बीच में लड़ी गई। तो याद रखेंगे मराठा अंपायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ेगी। और ये जो वार थी पहली जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार थी, इसमें जो है वो जीत होती है मराठास की। और इसके बाद जो है अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ट्रीटी ऑफ द सलबाई करती है। तो आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ द सलबाई जो है वो कब के साइन की गई। तो याद रखेंगे जब वार का एंड होता था, वार के एंड के बाद जब भी अंग्रेज हारने लगते थे तो एक माहिदा करते थे, उसी माहिदे को हम ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, तो एंड पे जो है वो ट्रीटी करते थे ताकि वार जो है रुक जाए। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वार की बात करेंगे। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है 1803 से लेकर 1805 के बीच में जो है वो लड़ी गई। सेकेंड एंग्लो मराठा वार कब कब लड़ी गई, 1803 से लेकर 1800 जो है वो 5 के बीच में जो है वो लड़ी गई। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा अंपायर के बीच में लड़ी गई। ठीक है, तो इसमें जो जो जीत होती थी वो किसकी हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो जीत हुई। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो जीत हुई तो मराठास को मजबूर कर दिया कुछ ट्रीटीज साइन करने के लिए। और वो ट्रीटीज वो माहिदे कौन कौन से थे, वो ब्रिटिश ने अपने ये डिमांड्स जो है उनसे मनवाई, जिसमें ट्रीटी ऑफ द दियोगान आता है, ट्रीटी ऑफ द सिरजिन जोंगोन आता है, ट्रीटी ऑफ राजघाट आता है और ट्रीटी ऑफ द बेसिन आता है। तो ये जो है वो चार ट्रीटीज जो है वो ब्रिटिश ने साइन करवाई। और फिर हमारे पास आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको एक बात याद रखनी होगी, थर्ड एंग्लो मैसूर वार को हम पिंडी वार भी कहते हैं, सॉरी पिंडारी वार। क्या, पिंडारी, आपने सुना होगा मूवीज में नाम पिंडारी। ठीक है, PINDARI, ठीक है, तो पिंडारी वार भी हम इसे कहते हैं। तो याद रखेंगे किसे कहते हैं पिंडारी वार, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा क्वेश्चन, थर्ड एंग्लो मराठा वार को जो है वो क्या कहते हैं, पिंडारी वार। कब कब लड़ी गई, 1817 से लेकर 1818 के बीच में लड़ी गई। किस किस के बीच में होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में होती है। जीत किसकी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और इसके बाद जो है वो एक और ट्रीटी करते हैं, और जिस ट्रीटी का हमने क्या नाम रखा, ट्रीटी ऑफ द मंदसौर। ठीक है, तो ये ट्रीटी जो है बाद में ब्रिटिश साइन करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कर्नाटिक वार्स के बारे में। देखिए, अब कर्नाटिक जो वार थी ये भी तीन वार थी, ये भी सीरीज ऑफ वार थी जो कि 18 सेंचुरी में लड़ी गई। बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बल्कि याद रखने के लिए है, ये जो है वार जो है जो एडवेंट जब हमने यूरोपियन पढ़ा था, हमने देखा था इंग्लिश भी आए यहाँ पर, डच भी आए, इसी तरीके से फ्रेंच भी आए थे। तो ये जो है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में आपस में जो था वार हो रही थी। और इसके बाद जो है लास्ट में जो है वो फ्रेंच को उन्होंने जो है बिल्कुल जो है वो एक कोने में कर दिया, जो कि पौंडीचेरी में, और फिर लास्ट तक जो है वो वहीं पर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वार हमने इसमें पढ़नी है, फिर हमने सेकंड कार्नेटिक वार पढ़नी है, और हमने जो है वो फिर हमने थर्ड कार्नेटिक वार पढ़नी है। तो आते हैं पहले फर्स्ट कार्नेटिक वार के बारे में। तो पहली कार्नेटिक वार जो हुई 1744 से लेके 48 के बीच में होती है। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये लड़ी गई। किस किस के बीच में लड़ी गई, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई। और जो फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई
इसके बाद एक ट्रीटी जो है वो साइन की गई, जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेली। ठीक है, ये ट्रीटी जो है ये साइन की गई। फिर सेकंड कार्नेटिक वार होती है, ये भी जो यूरोपियन दो पावर थी, एक फ्रेंच पावर थी एक इंग्लिश पावर थी, इन दो के बीच में लड़ी गई, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। कब लड़ी गई? जैसे ही फर्स्ट कार्नेटिक वार का एंड होता है तभी से जो है सेकंड कार्नेटिक वार स्टार्ट हो जाती है, इस ट्रीटी के बाद ही। ठीक है, ट्रीटी तो की लेकिन जो है ट्रीटी के बाद ही जो है वो दोबारा से लड़ने लगते हैं 1748 से लेकर 54 के बीच में, और इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ द पौंडीचेरी जो है वो साइन की गई। फिर आते हैं हम थर्ड कार्नेटिक वार के तरफ। थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से लेकर 1763 में तक लड़ी गई। इसमें जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये लड़ी गई, और यहाँ पर जो है ट्रीटी ऑफ द पेरिस जो है वो साइन की गई। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो है 10 जो है वो वार्स पढ़ ली। हमने जो है मराठा वार्स पढ़ ली, हमने हमने मैसूर वार, चार मैसूर वार पढ़ी, चार तीन हमने मराठा वार पढ़ी, और हमने तीन जो है वो कार्नेटिक वार्स जो है वो पढ़ ली है। चलते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो है कुछ और इम्पोर्टेंट वार्स है। देखिए, इनसे रिलेटेड मैंने आपको मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन भी काफी करवा चुका हूँ, बीच बीच में डेट्स भी जो है मॉक टेस्ट में भी मैंने ये दिए हुए थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए बैटल ऑफ द प्लासी, आप देखेंगे अभी ही आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में भी आया, और मैंने आपको जो है जेकेएसएसबी के मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बैटल ऑफ द प्लासी। तो कब लड़ी गई? 30 जून 1757, 23rd जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई। किस किस के बीच में लड़ी गई? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई, और इसमें जो है आप याद रखेंगे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई। तो बेसिकली जो है आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, जो हमने पहले कार्नेटिक वार्स पढ़ी जिसमें ब्रिटिश जो है वो लड़ रहे थे किससे? फ्रेंच से। तो यहाँ पर भी जो नवाब थे, यहाँ पर नवाब ऑफ बंगाल जो थे जैसे सिराजुद्दौला था, तो उन्होंने जो है वो फ्रेंच को भी अपना अलाई बनाया था, और साथ में जो है ये वार लड़ी थी, और उस टाइम जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस वार के बाद जो है वो क्या होता है, जो ब्रिटिश है वो विक्टोरियस होते हैं, और जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो कब्जा हो जाता है उनका, म्यांमार पे कब्जा हो जाता है, और इवन अफगानिस्तान पे भी जो है वो कब्जा हो जाता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो 1761 में, अभी पहले मैं फर्स्ट बैटल पढ़ा देता हूँ, छोड़िए ये मैं नीचे फर्स्ट बैटल लिखी हुई है। बैटल ऑफ ये जो है एक्चुअली में अरेंज कर दिया है 57 के बाद 61। तो बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं, 1764 में लड़ी गई। तो ये भी जो है कंपनी और जो है शाह आलम, मीर कासिम और नवाब ऑफ अवध, इन तीन का जो है अलाई बन गया था, और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन वार के बारे में देख ले, और उनकी डेट जो है वो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे और वार्स है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है, फिर हमने सेकंड बैटल ऑफ टेरेन पढ़नी है, और थर्ड बैटल ऑफ टेरेन पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है हमें याद रखना होगा ये जो लफज है टेरेन, ठीक है, ये बेसिकली प्लेस का नाम है जो कि तेरेन एक जगह थी हरियाणा में, ठीक है, आज का जो हरियाणा था जिसे मॉडर्न तरूरी कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है पहली बैटल लड़ी गई 1191 में जो है लड़ी गई। अब किस किस में के बीच में ये लड़ी गई थी? यहाँ पर जैसे लिखा है सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी। बेसिकली जो है जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चहमाना किंग थे उस डायनेस्टी के, और जो हमारे ये थे घुरिद किंग जो थे, मुइजुद्दीन थे जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, तो इनके बीच में लड़ी गई थी। कहाँ पर? हरियाणा में तरूरी जगह है जो उस टाइम जो है तेरेन कहा करते थे। तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत होती है, और उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए सेकंड बैटल ऑफ जो है तेरेन हुई अगले ही साल 1192 में जो है वो जो है हुई। तो ये वाली डेट एग्जैक्टली आप याद रखेंगे, 1191 जो था ये नवंबर का मंथ था, और वो नवंबर 13th नवंबर, ठीक है, तो पहली जो है 13th नवंबर को जो है वो लड़ी गई थी। दूसरी जो है वो
यहाँ पर होती है जब वार, तो ये भी पृथ्वीराज चौहान और सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में होती है, और इस टाइम जो है मोहम्मद गौरी की जो है वो जीत होती है। फिर जो है वो थर्ड बैटल ऑफ तेरेन जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है, तो थर्ड बैटल ऑफ जो तेरेन है ये किस किस के बीच में? शमशुद्दीन इल्तमिश और यल्दोज के बीच में लड़ी गई, और यहाँ पर शमशुद्दीन जो है इनकी जो है वो जीत होती है। तो ये 1225 में जो है वो लड़ी गई थी। तो ये हमने तीन बैटल ऑफ तेरेन देख लिए। तेरेन कौन सी जगह है? हरियाणा की जगह है, जो प्रेजेंट डे जो है तरूरी कहा कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा। किस किस के बीच में हुई थी? 1100s में हुई थी। ये तीन बैटल्स थी जो कि आप याद रखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो बैटल ऑफ पानीपत में भी आपको तीन बैटल्स याद रखनी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। किसकी जीत होती थी? बाबर की जीत हुई। फिर हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत देखेंगे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हीमू के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, 1556 में लड़ी गई थी, और जो है वो जो है 1556 में लड़ी गई, और इसमें जो है वो अकबर की जीत होती है। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मैंने यहाँ पर कहीं लिखी, अगर हो तो मैं बताता हूँ, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठा एंड दुरानी अंपायर के बीच में 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है, आप देखते हैं अगर नीचे कहीं लिखा हो, सॉरी भूल गए हैं लिखना, तो बट आप याद रखेंगे। और ऊपर जो है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? मराठा एंड दुरानी अंपायर्स के बीच में जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मराठा और मराठा में जो है इनके बीच में, और दुरानी अंपायर में अहमद शाह अब्दाली जो है वो आप जानते ही, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इनके बीच में लड़ी गई थी। तो ये हमने पढ़ी आज जो है बैटल इंडियन हिस्ट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और बैटल्स भी है, एक तो छोटी मोटी बैटल्स है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी याद ही रख लेना। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, और बाबर की जीत होती है। फिर बैटल ऑफ चंदेरी अगले ही साल 1528 है, छोटी छोटी बैटल्स है, बाबर और मैदेनी राय के बीच में, यहाँ पर बाबर की जीत होती है। फिर ये इंपॉर्टेंट है तब भी, बैटल ऑफ चौसा जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी जाती है, और यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी की जो है वो जीत होती है। फिर बैटल ऑफ तलीकोता है, ठीक है, तो ये दक्कन सल्तनत और विजयनगर अंपायर के बीच में होती है, जिसमें दक्कन सल्तनत की जो है वो जीत होती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। हमने सम अप करने की कोशिश की एक छोटी सी वीडियो में आपकी जो है बैटल जो भी इंडियन हिस्ट्री की में थी। तो अगर आप जो है किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले जो मैं कुछ दिनों पहले जो है वीडियोस अपलोड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब आपके एग्जामिनेशन को बहुत कम टाइम बचा है, और ये जो भी हम आप सीरीज लेके आ रहे हैं या आपकी रैपिड रिवीजन में, ये वो टॉपिक्स रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप हमें अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम आपके लिए इन्फोग्राफिक्स जो है अपलोड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आप उन्हें नोट कर सकते हैं अपने रफ शीट पे जो भी है। तो उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।